हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि हमने उसमें थंबनेल में बताया है कि छात्र खुद चुन सकेंगे परीक्षा की तिथि, तो ये देखिए सच बात है। तो देखिए आज ही इस पर अभी रिपोर्ट आई है कि छात्र खुद चुन सकेंगे परीक्षा की तिथि और नीट और एग्ज़ाम नीट जी आयोजित कराएगा NTA। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी न्यूज़ है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की है कि नीट एवं JEE और UGC नेट और CMAT परीक्षा अब पूरी तरह कंप्यूटर पर आधारित होगी। यानी कि आपकी परीक्षा जब ऑनलाइन होगी और वो कि 4 से 5 दिनों के अंदर आयोजित होगी, छात्र उनमें से किसी भी दिन का चुनाव कर सकेंगे। और ये सब परीक्षाएं जो है NTA द्वारा आयोजित होंगी, और जो पहले जो है CBSE ने कराता था, लेकिन अब ये इन्हें NTA कराएगा। और ये भी कन्फर्म हो गया कि नीट और JEE की परीक्षा अब साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। तो प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नीट की परीक्षा हर साल फरवरी और मई में कराई जाएगी, साथ ही ये परीक्षाएं कंप्यूटर के माध्यम से कराई जाएंगी। वहीं जावड़ेकर ने बताया कि नेट की परीक्षा दिसंबर में और JEE की परीक्षा हर साल जनवरी और अप्रैल में कराई जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पहले ही इस बात की सिफारिश की थी। बताया जा रहा है कि 12वीं के बाद विद्यार्थियों का समय बर्बाद ना हो और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए JEE और नीट के पेपर का स्तर एक हो, इसके लिए परीक्षा में समय में बदलाव किया गया है। अभी तक 12वीं में स्टूडेंट बोर्ड की तैयारी के साथ नीट और JEE दे रहे हैं। नए प्रस्ताव के अनुसार अब इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए परीक्षार्थी को 12वीं बोर्ड के साथ एक साल में 2 अवसर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपको साल में आप 2 बार नीट और JEE का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा चल रही थी कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन ये कन्फर्म हो गया है। और आपको 4-5 डेट मिलेंगी जिनमें से आप अपनी डेट चुन सकते हैं जिस दिन आपको एग्ज़ाम देना है। और एक अच्छी खबर ये भी है कि अब उसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, इसलिए आपको फर्जी बड़ा धोखाधड़ी नहीं होगी। तो आपके लिए अच्छी खबर है, आप अभी से मेहनत करिए, लग जाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, और आपको इससे रिलेटेड कोई अब डाउट है तो हमें कमेंट करें। और इसी तरह की न्यूज़ पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।